हाय फ्रेंड्स वेलकम टू रिक्रिएटिंग फूड आज आपको चिकन शामी कबाब की रेसिपी दे रही हूँ मैं बोनलेस चिकन को लिया है मैंने इसको मैं धो लिया है अच्छे से हम अभी चने की दाल डालेंगे चने की दाल जो है आप चिकन जितना लेंगे उससे थोड़ा सा कम जो है चने की दाल लें आप इस तरह से नाप लें उसको चिकन है उससे थोड़ा कम चने की दाल डाल लें इसमें इतने से लाल मिर्च डाल रही हूँ शामी कबाब में मैं एक चम्मच जो है इसमें चिकन मसाला ऐड कर रही हूँ मैं इसमें गरम मसाला डाल रही हूँ एक फुल टेबल स्पून जो है जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल रही हूँ मैं हम चार टुकड़े जो है इस तरह से कोकोनट के डालेंगे इससे जो है बहुत अच्छा टेस्ट आता है शामी कबाब में इसमें एक कप पानी को डालूंगी ज्यादा पानी नहीं डालना है जितना दाल गनाल के लिए ज़रूरी है उतना ही पानी डालना है हमें मैं दो विजल रखूंगी इसको दाल जो है गल चुकी है अभी मैं चिकन को निकाल लूँगी और थोड़ा पानी जो है उसको सुखा लूँगी देखिए मैं चिकन को जो है इस तरह से फ़ूड प्रोसेसर में डालकर इसको अच्छे से चला लूँगी देखिए मैंने दाल और कोकोनट को इस तरह से पीस लिया है इसी में मैं अब चने की दाल डालकर पीस लूँगी सॉफ्ट मिक्सर में जो है मार लेना है इसको पीस लेना है इस बहुत अच्छी खुशबू आ रही है मसालों की आप एक बार ज़रूर ट्राई करें चिकन ऐड करके एक बार घुमा लेंगे अच्छे से हरा धनिया ऐड करूँगी इतना सा देखिए कितना अच्छा आटा बना है हम इसको जो है जो शेप चाहिए उस शेप में हम इसको बना लेंगे अगर आपको सूखा लगा तो थोड़ा पानी डालकर आप इसको थोड़ा मतलब दो टेबल स्पून जितना पानी डालकर आप इसको ग्राइंड कर लें देखिए मैंने कर लिया है इतना अच्छा सा बना है देखिए बैटर देखिए मैंने ऑयल को गर्म कर लिया है इस तरह से पैन में देखिए आप दो तरह के शेप बना सकते हैं मैंने इस तरह से राउंड थोड़े से बनाए हैं और इस तरह से थोड़े से बना लिए हैं आपको जो शेप चाहिए आप उस तरह से बना सकते हैं आप मेरी और रेसिपीज देखना चाहते हैं तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें थैंक्स फॉर वॉचिंग आपको जैसे चाहे आप वैसे डेकोरेट कर लें कबाब को देखिए बहुत ही टेस्टी कबाब बने हैं आप इसे ज़रूर बनाएं और ट्राई करें